डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। यूपी के मोस्ट वांटेड 5 लाख रुपए के इनामी बदन सिंह बद्दो ने एक बार फिर से राज्य के पूर्व DGP ब्रजलाल पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। पोस्ट में बेटे सिकंदर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का जिक्र करते हुए बदन सिंह बद्दो के नाम से की गई इस पोस्ट में साफ लिखा है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गुंडे ब्रजलाल की ताकत जिस सरकार, सत्ता और नौकरशाहवाद मीडिया पर टिकी है उसकी एक्सपायरी डेट है, लेकिन मेरी हिम्मत व ताकत की नहीं। औरंगजेब ने भी गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों पर जुर्म किए थे, आज उस औरंगजेब का कहीं नामो निशान नहीं बचा है। दिलचस्प बात यह भी है कि बदन सिंह बद्दो समय समय पर इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर करते हुए मौजूदा सिस्टम को चैलेंज देता रहता, लेकिन पुलिस अभी तक गिरफ्तार करना तो दूर, उसकी वह लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पाई है जहां से वह सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करता है। हाल ही में भरी कचहरी में हुए कुख्यात संजीव जीवा हत्याकांड में भी बदन सिंह बद्दो का हाथ बताया गया है। हालांकि ताजा तरीन पोस्ट बदन सिंह ने की है अथवा नहीं इसकी पुष्टि होना बाकी है। दरअसल बदन सिंह बद्दो मेरठ के उस मुकुट महल होटल से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था जो पेशी के रास्ते में कहीं भी नहीं आता है। बदन ने भागने का दिन भी वह चुना जिस रोज PM मोदी मेरठ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रचारित किया गया था कि तब चप्पे चप्पे पर पुलिस सतर्क थी, लेकिन बदन सिंह बेहद ही आसानी से पुलिस को नशे में धुत कर भाग निकला था। बदन सिंह की पुलिस से अदावत पुरानी है। नवनीत सिकेरा के बाद उसने सीधा पंगा प्रदेश के DGP ब्रजलाल से लिया। उसने आरोप लगाया कि उसके कुछ विरोधियों से मिलकर ब्रजलाल उसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ये विरोधी वह हैं जो TV केबल कारोबार से जुड़े हुए हैं। इस कारोबार में ब्रजलाल को भी बदन सिंह हिस्सेदार बताता आ रहा है। ताजातरीन पोस्ट में बदन सिंह ने एक पिता के रूप में अपना दिल साझा किया है। इसमें शेरवुड कॉलेज, नैनीताल, GD गोयनका आदि तमाम उन स्कूलों के नामों का उल्लेख किया गया है जिसमें बच्चे को पढ़ाने का हर माँ बाप का सपना होता है। इनमें सिकंदर ने पढ़ाई की है। स्कूल पूरा करने के बाद उसने इंग्लैंड में वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वो वहां जाने की तैयारी करने लगा था, मगर ब्रजलाल और उनकी B team को यह बर्दाश्त नहीं था। B team के आगे बदन सिंह बद्दो ने जनाना शब्द का उल्लेख बार बार किया है। पोस्ट में लिखा गया है कि ब्रजलाल मुझे मार नहीं पाया, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका, तो वह मेरे बेटे सिकंदर के पीछे पड़ गया। उस बच्चे पर एक फर्जी मुकदमा लगा दिया गया, उस पर इनाम भी घोषित कर दिया गया। बेटे पर झूठा मुकदमा लगाकर उसे फंसाया गया। ब्रजलाल और उसकी टीम उस वक्त की जालिम सरकार है। उसने कहा है कि उसकी ताकत नौकरशाहों, सत्ता, मीडिया के कंधों पर टिकी है जिसकी एक्सपायरी डेट है। मेरी हिम्मत, ताकत मेरे अपने कंधों पर टिकी है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।